हेलो एवरीवन, आज हम वोकैबुलरी डेवलपमेंट का फिफ्थ सेशन करने जा रहे हैं। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड लेके आया हूँ जो एसएससी और बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एसिड्यूअस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस। तो ये याद रखिएगा कि जो इंडस्ट्रियस और एसिड्यूअस की अगर हम बात करें तो इन सब का मीनिंग है हार्ड वर्क, या फिर हम कह सकते हैं कठिन परिश्रम। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, उसके लिए जो वर्ड यूज कर सकते हैं एसिड्यूअस। और जो मेहनत करने वाला है वो कौन होता है? लेबर। लेबर आप जानते हो कि बहुत हार्ड वर्किंग करेगी, और ये सब वर्क कहां करते हैं? इंडस्ट्री में। तो ये चार वर्ड एक साथ याद रखिएगा, एसिड्यूअस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस एंड डिलीजेंट। इन चारों वर्ड का मीनिंग है अ पर्सन हु वर्क वेरी हार्ड, दैट मीन्स कोई भी कठिन परिश्रमी, कोई ऐसा व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करने वाला है उसको हम नेम दे सकते हैं डिलीजेंट, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस एंड एसिड्यूअस। नोट कीजिएगा इन शब्दों को। तो अगर हम ये कहना चाहें तो ये याद रखना है कि ये चारों वर्ड आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है, आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स है। दूसरा, इसके अलावा कुछ वर्ड करें, आई थिंक आपने नोट किया होगा। ये जो नेक्स्ट वर्ड है वह जोश से रिलेटेड है, इबुलियंट। दूसरा है जीएलएस, ये याद रखिएगा जे नहीं है, ये जेड है, ठीक है, जेलस, आर्डेंट, आर्डेंट, फेरवेंट। इनका मीनिंग होता है हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो इसको हम ये कह सकते हैं जोशीला, जिसके अंदर बहुत एनर्जी हो, या फिर एक ऐसा पर्सन जो आलसी नहीं है उसको हम क्या नेम दे सकते हैं? एक्टिव। इसके लिए दूसरा वर्ड और बेहतर लिख सकते हैं एंथुजियास्टिक, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये सभी पॉजिटिव वर्ड है, इबुलियंट, जियलस, आर्डेंट, फेरवेंट। इन सबका मीनिंग है अ पर्सन हु हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी या फुल ऑफ एनर्जी। जोशीला, ऊर्जावान, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक्टिव रहता है, आलसी नहीं है, या फिर इसके लिए बोल सकते हैं हम एंथुजियास्टिक। नोट कीजिएगा ये सभी वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर इसके अपोजिट वर्ड लिखना है हमें एंथुजियास्टिक और इबुलियंट के जस्ट अपोजिट वर्ड लिखना है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं लिस्टलेस, लेजी, इनएक्टिव, वहां पर हमने लिखा था एक्टिव, यहां पर इनएक्टिव, टॉर्पोर, ठीक है, दूसरा वर्ड टॉर्पोर, डोरमेंट, ये वैसे वोल्केनो के लिए यूज होता है डोरमेंट। फिर नेक्स्ट वर्ड लिख सकते हैं स्लॉथ, स्लॉथ, इंडोलेंट, इंडोलेंट, और एक और वर्ड है इसके लिए दैट इज स्लगिश, स्लगिश, ठीक है। ये सभी वर्ड अगर हम बात करें तो किसके अपोजिट है? एंथुजियास्टिक, उसका मीनिंग था कोई भी व्यक्ति जो ऊर्जा से भरा हुआ है, और इसका मीनिंग होता है लेजी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आलसी है, एनर्जीलेस। वहां पर मीनिंग था इससे पहले जो हमने वर्ड किए थे एनर्जीफुल, एनर्जेटिक, और यहां पर मीनिंग है एनर्जीलेस। तो इनको एक और हम नेम दे सकते हैं इनऑपरेटिव, इनऑपरेटिव, या
एक और वर्ड दे सकते हैं, दैट इज द लैंग्विड इन ऑपरेटर और लैंग्विड। तो अगर ये सभी वर्ड हम कहना चाहें तो एक दूसरे के सिनोनिम्स है, बट एंथुजियास्टिक के, इबुलियंट के, ये सभी वर्ड अपोजिट हैं, सभी वर्ड अपोजिट हैं, इन नोट कीजिएगा इन सभी को। लिस्टलेस, लेजी, इनएक्टिव, टॉर्पर, डोरमेंट, स्लॉथ, इंडोलेंट एंड स्लगिश, ठीक है, सबका जो मीनिंग है लेस एनर्जी या एनर्जी लेस, इन ऑपरेटिव, लैंग्विड, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऊर्जा से रहित, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि आलसी है, इनएक्टिव है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आए होंगे। अब कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनट्रांसिजेंस, इनट्रांसिजेंस, इनट्रांसिजेंस। दूसरा डेफिएंट, इनट्रांसिजेंस, डेफिएंट, स्टबर्न, इनट्रांसिजेंस, डेफिएंट, स्टबर्न, इन सब का मीनिंग होता है अडामेंट। अडामेंट का मीनिंग है जिद्दी या हठीला, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दूसरे से मनवा के रहता है। जैसे आपने देखा हो बचपन में कोई छोटा बच्चा होता है, अगर उसको टॉय चाहिए, खिलौने चाहिए, तो हमेशा उसकी वो जिद करता है, वो उसके बिना कभी नहीं मानेगा, तो उस व्यक्ति को हम नेम देंगे इनट्रांसिजेंस, डेफिएंट, स्टबर्न या फिर अडामेंट, जिद्दी या हठीला व्यक्ति। नोट कीजिएगा इनको। चलिए मैं इनको रब कर देता हूं सभी वर्ड को, इनट्रांसिजेंस, डेफिएंट, स्टबर्न और अडामेंट को। तो अगर ये सभी वर्ड देखें तो हम एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। दूसरा, इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज द क्रुक, दैट इज द क्रुक। क्रुक का जो मीनिंग होता है, आपने मूवी देखी होगी क्रुक, उसी जैसा ये वर्ड है। हम कह सकते हैं आ डिसऑनेस्ट पर्सन, आ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो धूर्त है, धोखेबाज है, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो झूठा है, उसको नेम दे सकते हैं क्रूक्ड पर्सन, अ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो इसके रिलेटेड एक और हम वर्ड लिख सकते हैं, दैट इज द मेंडासियस, मेंडासियस। मेंडासियस का भी मीनिंग क्या होता है, अनट्रूथफुल पर्सन, डिसऑनेस्ट या अनट्रूथफुल पर्सन, ठीक है। मेंडासियस और क्रूक तो अगर देखा जाए एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन ये याद रखिएगा ये धोखा भी दे सकता है, बट ये ओनली झूठ बोलेगा। क्रूक्ड पर्सन झूठ भी बोलता है, धोखा भी दे सकता है, बट मेंडासियस जो होगा इसकी अगर हम बात करें तो ये अनट्रूथफुल है। लेकिन अगर इसके अपोजिट हमें लिखना हो तो हम एक वर्ड लिख सकते हैं वेरासियस, ये याद रखिएगा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वेरासियस। वेरासियस का मीनिंग है ट्रूथफुल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो सच बोलता है, उसको हम नेम देंगे वेरासियस। बट ये याद रखिएगा कि ये जो वर्ड है ये वेरा है, सिमिलर एक और वर्ड होता है वोरासियस। वोरासियस का मीनिंग होता है ग्रीडी, स्पेशली फॉर फूड, ठीक है। ग्रीडी का तो मीनिंग जानते हैं आप, लालच। लालच कई तरह का हो सकता है, अगर ये लालच खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे वोरासियस, बट अगर ये लालच, ग्रीडीनेस वेल्थ से रिलेटेड है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे अवारिसियस। ये याद रखिएगा, जो अवारिसियस है दैट इज ग्रीडी फॉर, स्पेशली फॉर द वेल्थ, और जो फूड के रिलेटेड वर्ड यूज होगा दैट इज द वोरासियस। तो इसमें वी के बाद ओ आता है, और ट्रूथफुल पर्सन में वेरासियस है, वी के बाद ई आता है, तो इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। बट वेरासियस किसके अपोजिट वर्ड है, मेंडासियस, जिसका मीनिंग होता है अनट्रूथफुल पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं क्रूक्ड, दैट मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो अब कुछ नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम। अगर कुछ रूट वर्ड्स में देखें तो आपको मालूम होगा कि
कुछ वर्ड होते हैं जैसे बेन, ये हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देगा, और कुछ वर्ड होते हैं मैल, ये हमेशा निगेटिव मीनिंग देगा। ठीक है, तो जैसे बेन से रिलेटेड वर्ड की हम बात करें तो हो सकते हैं बेनिफैक्टर, पहला वर्ड हो सकता है बेन से रिलेटेड, दैट इज बेनिफैक्टर। दूसरा सेकेंड बेनिफिशियरी, और या फिर इसके लिए हम एक और वर्ड लिख सकते हैं, दैट इज द बेनिवोलेंट, दैट इज द बेनिवोलेंट। बेनिफैक्टर का मीनिंग होता है अ पर्सन हु प्रोवाइड बेनिफिट, अ पर्सन हु प्रोवाइड बेनिफिट, जो लाभ देने वाला होता है। इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु रिसीव बेनिफिट, जो कि लाभ स्वीकार करेगा। जैसे आपके फादर ने आपको मनी ट्रांसफर किया, सो फादर इज द बेनिफैक्टर, आपने मनी को रिसीव किया, उसे हम नेम देंगे बेनिफिशियरी। दोनों में अंतर है, एक लाभ देने वाला है और एक लाभ स्वीकार करने वाला है। बट जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज द बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मीनिंग होता है काइंड एंड जेनरस। काइंड एंड जेनरस का मीनिंग हम ये कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कि दयालु है या फिर उदार स्वभाव का है, उस व्यक्ति को हम नेम देंगे बेनिवोलेंट। ये लाभ देने वाला है, ये लाभ रिसीव करने वाला है, बट ये जो व्यक्ति है बेनिवोलेंट, ये काइंड या जेनरस नेचर का है। लेकिन अगर इससे रिलेटेड एक और वर्ड लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं म्यूनिफिशियंट, म्यूनिफिशियंट। इसका मीनिंग होता है वेरी काइंड एंड जेनरस। तो अगर ये देखें तो एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये एक पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं, मैं कोई पर्सन अपने ऑफिस जा रहा था, उसको रास्ते में रोड पर कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ मिलता है, वो उससे हेल्प मांगता है और उससे बोलता है कि मेरा जो एग्जाम सेंटर है वह यहां से बहुत दूर है, बट मुझे कोई भी यहां पर अभी व्हीकल या बस नहीं मिल रही। तो व्यक्ति अपने ऑफिस जाने के बजाय उस व्यक्ति को, उस लड़के को, स्टूडेंट को उसके एग्जामिनेशन सेंटर तक लीव करता है, फिर ऑफिस को अटेंड करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या नेम दे सकते हैं, बेनिवोलेंट। लेकिन ये जो पर्सन होगा म्यूनिफिशियंट, अगर इसको रोड में कोई ऐसा स्टूडेंट मिलेगा तो ये उसको छोड़ने ना जे करके उसको गाड़ी की चाबी ही दे देगा, साथ में वॉलेट भी दे देगा कि ये पैसे रखो, गाड़ी भी रखो, आसानी से जाओ, पेपर दे के आओ और मन करे तो वापस आकर के मिलना। तो ये जो है एक निगेटिवनेस को दिखाता है, वेरी काइंड एंड जनरस, और ये जो पर्सन है दैट इज काइंड एंड जनरस, तो ये टू मच को दिखाता है। इसलिए कौन सा रिप्रेजेंट करेगा मीनिंग, निगेटिव, और जो बेनिवोलेंट रिप्रेजेंट करेगा वो याद रखेगा पॉजिटिव। अब अगर इसके जस्ट अपोजिट हमने वर्ड करना है बेनिवोलेंट के, तो वो नॉर्मल वर्ड है दैट इज मैलिवोलेंट। तो मैलिवोलेंट का तो इजीली आसानी से आप लिख सकते हैं ऐसा पर्सन जो क्रूअल होगा या अनकाइंड होगा, उस पर्सन को हम क्या नेम देंगे, मैलिवोलेंट। सो मैलिवोलेंट, क्रूअल या अनकाइंड इज द अपोजिट ऑफ द बेनिवोलेंट, काइंड या फिर जेनरस। ठीक है, चलिए ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। नेक्स्ट सेशन में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आएंगे। थैंक यू।